आदाब अर्ज़ है, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाज़रीन, मैं हूँ समरी नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी कमेटी की जानिब से निहायती जोश खरोश के साथ मनाया गया यौम इकबाल व यौम उर्दू। मेहमानों के हाथों नुमाया कारकर्दगी अंजाम देने वालों का किया गया इस्तकबाल। ST मुलाजमीन की हड़ताल से गैर खाए अजंता के सयाह भी हुए मुतासिर, पैदल और बैलगाड़ियों पर किया सफर। ST इंतजामिया के तय किया इजहार नाराजगी। पैठन तहसील अमले की रेत माफिया पर कार्रवाई, JCB कर लिया गया जब्त, मगर रेत बर्दा ट्रैक्टर व हाईवा हुए फरार। और जिला बीड़ की केचकड़म शाहरा पर मोटरसाइकिल व कार के बीच भयानक तसादुम, हादसे में 2 अफराद हुए फौत, खातून समेत 9 उम्र बच्चा हुए शदीद जख्मी। अब खबरें तफसील से। शायर मशीख अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश पर महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी कमेटी की जानिब से एक प्रोग्राम याद इकबाल के उनवान से भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रिसर्च सेंटर में मुनक़िद किया गया। मौलाना महफूजुर रहमान फारूकी की सदारत में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में मौलाना सदरुल हसन मदनी और डॉक्टर इर्तिकास अफजल ने अल्लामा इकबाल की सवाहने और इकबालियत पर हाजरीन की रहनुमाई की, जबकि इस प्रोग्राम में उर्दू अदीब व बुजुर्ग उस्ताद अहमद इकबाल, मारूफ फिक्शन निगार नूरुल हसनैन और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग मोहम्मद रजा खान मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से मदऊ थे। मारूफ शायरा राना हैदरी मेहमानाने इजाजी के बतौर इस प्रोग्राम में शरीक थी। प्रोग्राम के आगाज पर समी सौदागर और उनके साथियों ने इकबाल के तहरीर करदा गीत गाकर हाजरीन से दाद वसूल की। इसके बाद मुख्तलिफ शोबों में गिरा कदर खदमात अंजाम देने वाली शख्सियात का MP इम्तियाज जलील, NCP के सीनियर कायद अब्दुल खदीर मौलाना, कांग्रेस पार्टी के शह सदर हिशाम उस्मानी, ख्वाजा शरफुद्दीन, डॉक्टर शोएब सिद्दीकी और दिगर के हाथों मोमेंटो और गुलदस्ते देकर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। यह प्रोग्राम महाराष्ट्र मुस्लिम अवाम कमेटी के सदर इलियास किरमानी ने ऑर्गेनाइज किया। अबू बकर रहबर ने अपने मखसूस अंदाज में प्रोग्राम की निजामत की। प्रोग्राम के कन्वीनियर साबिक कॉरपोरेटर नासिर नहदी और डॉक्टर सुहेल जकी थे। याद इकबाल के उनवान से मुनक़िदा इस तकरीब में मुहिबान उर्दू कसीर तादाद में शरीक थे। कलाम अखबार पर अपने ख्याल का इजहार फरमाएंगे वो हमारे शहर की मुख्तदर इल्मी शख्सियात हैं, जिनमें डॉक्टर इर्तिकास अफजल और डॉक्टर मौलाना सदरुल हसन नदवी मदनी साहब शामिल हैं। 70 लाख यहूदियों को हिटलर ने जो है मरवा दिया बेइंतहा तबूस, और उसके नतीजे में जो एक तरह की बदअमनी पैदा हुई, रूहानी और नफ्सियाती समाजी जो एक बेचैनी पैदा हुई, बेइंतहा जो है गर्व से बेइंतहा तकलीफ और दुख से कौमें गुजर रही थी 1935-1940 तक, और यही वो दौर था जब हम जंगे आजादी में मसरूफ थे। ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन आरी नजर आता है हकीकत में है कुरान, आरी नजर आता है हकीकत में है कुरान। अगर अमली नमूना एक मॉडल देखना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। इसीलिए फरमाया कि लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी एक उस्वाए हसना है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में डूबकर इश्क रसूल का वो नमूना पेश किया, रहती दुनिया तक के शायरों के लिए एक आइडियल और नमूना वो बनकर इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। हर वक्त कामयाबी दिया, जब मराठवाड़ा बंद का जब हमने ऐलान करने का सोचा सारे पार्टी के लोग हमको सपोर्ट करे, अल्हम्दुलिल्लाह सबने सपोर्ट करे, बोले यार कैसा होगा, अरे मैं बोला तुम नियत करो फरिश्ते बंद कराएंगे, और बंद करा के अल्लाह ने बता दिया। जब पहला मोर्चा निकला जब भी ये याद हुआ तो अब ये अब रही बात कि आप ये प्रोग्राम क्यों कर रहे, 2-3 लोगों ने मेरे से सवाल करे, तो मेरा यही है
कि इकबाल की शायरी से हमको ये सीखने मिलता कि किस तरीके से हमको लड़ना है, किस तरीके से जिंदगी गुजारना है, किस तरीके से हमारे दीन पे रहना है, किस तरीके से हमको दुनिया ही काम करना है। जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, बस यही हमारा मकसद है। आप अवार्ड पेश पर मारे हैं, अरे मेरे पड़ोसी है, ताले बजाओ। इम्तियाज सलीम साहब, इलियास करमानी साहब का इस्तकबाल फरमा रहे हैं, इस्तकामत दे और वहां दवा अता फरमाए। जब समंदर में डूबा तो कहने लगा इस हुकूमत। आलमी शोहरत याफ्ता गार हाय अजंता के सयाह भी एसटी की हड़ताल से मुतासिर हुए हैं। कई काफिले पैदल चले तो कई लोगों को बैलगाड़ी से सफर करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। सफर व आवाजाही में अजंता की सयाहत करने वाले कई लोगों ने इस पैदल या बैलगाड़ी के सफर से लुत्फ उठाया या अल्फाज दिगर इंजॉय किया तो कई लोगों ने तकलीफ महसूस की और इनको नाकोदम आ गए। रियासत भर व बैरून रियासत से ये सयाह दिवाली की छुट्टियों में अजंता की सैर के मंसूबे से आए थे। अजंता टी पॉइंट से गारों तक जाने का फासला कम व बेस 4 किलोमीटर है। कोरोना के मुहिम सायों के सबब 2 साल बंद पड़े रहे इन गारों के खुलने का इंतजार खत्म हुआ तो सयाह इस जानिब लपके थे, मगर क्या पता था कि आसमानी आफत के बाद अब सुल्तानी या इंसानी उपज से जारी आमोदरफ्त की सऊबत से इन्हें गुजरना पड़ेगा। एसटी बसों की हड़ताल इनके लिए निहायत तकलीफदायक साबित हो रही है। इसके बावजूद भी पिछले 6-7 रोज के दरमियान यहां कम व पेश 15,000 सयाहों ने विजिट की है। आइन दिवाली की सयाहत के मौके पर एसटी की इस हड़ताल पर कई सयाह इजहार नाराजगी करते देखे गए। एसटी कॉरपोरेशन को महाराष्ट्र हुकूमत में शामिल किया जाए, इस मुतालिबे पर मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। इन लोगों का कहना है कि चाहे उनके खिलाफ कौन सी भी कार्रवाई की जाए वो अपनी हड़ताल उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक उनका मुतालिबा पूरा नहीं हो जाता। भाजपा विरोधी पक्षा की भूमिका ते त्यांच्या पद्धतीने ठाम मानता है। आम्हाला ना बीजेपीशी घेणे आणि ना सध्या महाविकास आघाडीशी घेणे, आम्हाला फक्त शासनात विलीनीकरण पाहिजे आणि ते आम्ही मिळवल्याशिवाय हटणार नाही। चाहे आमचा जीव गेला तरी चालेल, एकही कर्मचारी आणि माननीय उच्च न्यायालयाचा आम्ही आदर करू, त्यांचा आलेला निर्णय योग्यच राहणार आहे, तो कामगाराच्या बाजूनच असणार आहे। अवमानाची का सरकारने जरी दाखल केली तरी कामगार घाबरणार नाही, कितीही लोक निलंबित केले, कितीही लोक सस्पेंड केले, जेलमध्ये टाकले तरी चालेल, पण आम्ही माघार घेणार नाही। आणि प्रत्येक वेळेस शासन आमच्यासोबत हीच भूमिका करते की आम्हाला ज्या ज्या वेळेस आम्ही संप पुकारला त्या त्यावेळेस काहीतरी कुठलं तरी 10-5 रुपये द्यायचे आणि मोकळं करायचं, परंतु त्यावेळेस कर्मचारी घाबरणार नाही। कुठलेही लास्ट स्टेजवरही जरी कामगाराला नेलं तरी कामगार त्या अवमान याचिकेला घाबरणारा नाही। आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे सर, 376 लोकांना निलंबित करण्यात आलेलं आहे आणि यापुढे किती लोक निलंबित होतात हे आम्ही बघणार आहे, परंतु संपातून कुठल्याही प्रकारची माघार होणार नाही। आपली जी परिवहन मंडळ आशिया खंडातली जी वाहिनी आहे आणि हीच जर ठप्प झाली तर प्रवाशांची तर हाल होणार हे तर निश्चित, परंतु ज्या ट्रॅव्हल्स बसेस चालतात हा त्यांचा मनमानी कारभार आहे, प्रवाशांची लूट सुरू चालू आहे, केवळ याला प्रशासन ही जबाबदार आहे। तालुका पैठण के घारे गाँव में सुकना नदी के खत्ते से रेत निकासी पर तहसील के मुतालिका शोबे ने कार्रवाई की और रेत निकासी में इस्तेमाल हो रहा जेसीबी जब्त कर लिया, जबकि रेत बर्दारी का ट्रैक्टर और हाईवा लेकर मुलजिमिन फरार हो गए। पिछले कुछ अरसे से यहां मस्कुरा नदी के किनारे वाक़े रेत खित्तों से रात के अंधेरों का फायदा उठाकर बड़ी मकदार में रेत निकासी की जा रही थी। इस गैर कानूनी रेत निकासी को रोकने में पुलिस व मुतल्लिका इंतजामिया या तो नाकाम था या फिर रेत माफिया से साजोबाज बदउनवानियों के तुफैल ये गोरख धंधा सरेआम जारी होने पर यहाँ के साकिनान नाराज थे। तालुका पैठन के घारे गाँव, एकतूनी पारूंडी, तुपेवाड़ी खेड़ा और दावरबाड़ी नांदर के वीरभद्रा नदी के खित्तों से बड़े पैमाने पर गैर कानूनी रेत निकासी जारी है और माफिया के मुखबिर व दलाल रात भर मुतवाजी तौर पर इलाके में गश्त करके पल पल की खबर देते रहते हैं। ताहम 9 नवंबर की अलग सुबह 4 बजे दफ्तर तहसील के मुतालिका शोबे के खसूसी स्क्वाड ने रेत भर रहे जेसीबी को जब्त कर लिया और रेत बरादरी करने वाले ट्रैक्टर और हाईवा मालिकान फरार होने में कामयाब हो गए। इस कार्रवाई के मौके पर मजकूरा अमले के अलावा तलाटी भारत सोने, कड़ुबा तूपे, पुलिस पाटिल शिवाजी थोरे और सरपंच अशोक बारगढ़ भी मौजूद थे। स्कूली तलबा व असातिज़ा की अहलियती पैमाइश के लिए मुल्क भर बैक वक्त नेशनल अचीवमेंट सर्वे किया जा रहा है। इस ज़मन में जिला के 228 स्कूल और 244 क्लासों का इंतखाब किया गया है।
इस सर्वे के जरिए पता लगाया जाएगा कि स्कूली तलबा ने क्या सीखा और असातिज़ा ने क्या सिखाया है। जिला परिषद ने इस तरह की मालूमात जारी की है। जबकि इस सर्वे के लिए मुंतखब किए गए स्कूलों में तालुका औरंगाबाद के 27 स्कूल, गंगापुर के 37, कन्नड़ के 19, खुलदाबाद के 4, तालुका पैटन के 17, फुलमरी के 7, सिल्लोड़ के 21, सोएगांव के 4, वैजापुर तालुके के 16 और शहर औरंगाबाद के 71 स्कूल शामिल हैं। सर्वे के दौरान इन स्कूलों के सदर मुदरसिन, असातिज़ा और तलबा की 100% हाजिरी को लाजमी करार दे दिया गया है। तलबा ने क्या सीखा, इसकी जांच के लिए तलबा के लिए सवालात, असातिज़ा के लिए सवालनामे, स्कूल के जायजे से मुतालिक मालूमात के इंदराज किए जाएंगे। मुंतखब करदा सभी स्कूलों को इस मुतालिक इत्तला दी जा चुकी है। इस तरह की जानकारी जिला परिषद के मुतालिका शोबे ने दी है। औरंगाबाद में मुनक़द खवातीन सरपंचों के इजलास में रुकने संजय शीरसाट ने ग्राम सेवकों से मुतालिक तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए, जिस पर ग्राम सेवकों में नाराजगी व गुस्सा देखा जा रहा है। इस सिलसिले में फुलमरी तालुका ग्राम सेवक संगठना की जानिब से पंचायत समिति दफ्तर के सामने एहतजाजी धरने दिए गए। एहतजाजी ग्राम सेवकों का कहना था कि वो लोग अवाम और हुकूमत व इंतजामिया के बीच एक अहम नहायत अहम राब्ते के बतौर काम करते हुए देही इलाकों की तरक्कियात, फलाह व बहबूद और अवामी खिदमात की अंजाम दही करते हैं। हुकूमत की फलाही इस्कीमात और मनसूबों को अवाम तक पहुँचाकर अमल आवरी को यकीन बनाते हैं। इसके बावजूद भी गुज़िश्ता दिनों जिला की खवातीन सरपंचों के इजलास से मुखातिबत में रुकने असेंबली जैसे अवामी नुमाइंदगी के मनसब पर रहते हुए शिवसेना के MLA संजय शिरसाट ने ग्राम सेवकों से मुतालिक इंतहाई जिलत आमेज तर्ज कलाम का इस्तेमाल किया है, जिसके सबब रियासत भर के 22,000 ग्राम सेवकों की तौहीन हुई है और उनके जज्बात को ठेस पहुंची है, जिस पर रियासत भर के ग्राम सेवकों ने संजय शिरसाट और उनके इस बयान की शदीद मजम्मत की है और महाराष्ट्र राज्य ग्राम सेवक यूनियन DN 136 के रियासती सदर एकनाथ राव ढांकने ने मुतालिका रुकने असम्बली पर बाजाब्ता कार्रवाई करने और इनके खिलाफ मामला दर्ज करने का मुतालबा किया है। नीज कहा है कि संजय शिरसाट को चाहिए कि वो ग्राम सेवकों से गैर मशरूत माफ़ी मांगे। इसी तरह संगठना की जानिब से बाजार सांगी व बोरगांव बाजार में भी एहतजाज व मजाहरे किए गए। नीज कहा गया कि शिरसाट पर मामला दर्ज ना होने और उनके माफ़ी ना मांगे जाने तक ग्राम सेवक काम बंद एहतजाज करेंगे। मैं KP जंगले अध्यक्ष ग्राम सेवक संगठन तालुका शाखा फुलमरी काल जिला परिषद ने महिला सरपंच परिषद आयोजित करने दिलेली होती, त्या सरपंच परिषदेसाठी जिल्ह्यातून सर्व सरपंच महिला उपसरपंच हे सर्व मोठ्या संख्येने ग्रामसेवकांनी शर्तीचे प्रयत्न करून त्या ठिकाणी त्यांना उपस्थित केलं आणि त्या ठिकाणी विकासाच्या कामाबाबत आणि प्रोग्रामबाबत चर्चा होणे अपेक्षित असताना आमदार शिरसाट यांनी ग्रामसेवकाबद्दल अत्यंत असंवैधानिक भाषेत खालच्या स्तरावर जाऊन इन शब्द वापरले, त्यामुळे ग्रामसेवक संवर्गामध्ये अत्यंत नाराजी पसरली असून सर्वांच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत। हर्निया मर्स के मॉलिजिन की 2 रोजा नेशनल कॉन्फ्रेंस 12 और 13 नवंबर को शहर औरंगाबाद में रखी जा रही है। ये तिला आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजर्स ने सहाफियों को बताया कि इस इजलास में मुल्क भर से 450 डॉक्टर्स की शिरकत मुतवक्का है। इस मौके पर जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए हर्निया के इलाज पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसी तरह लाइव ऑपरेशन और इस मर्ज से मुतालिक तैयार किए गए रिसर्च पेपर्स पढ़कर सुनाए जाएंगे। ये कॉन्फ्रेंस हर्निया सोसाइटी ऑफ इंडिया की जानिब से मुनक्किद की जा रही है। इससे कबल इस तरह के 14 इजलास मुनक्किद किए जा चुके हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन डॉक्टर विजय बोरगांवकर, औरंगाबाद सर्जिकल सोसाइटी के सदर डॉक्टर निखिल चौहान, सेक्रेटरी डॉक्टर नारायण सानव, डॉक्टर सुशील देशपांडे और डॉक्टर भास्कर मुसंडे भी शरीक थे। याची राष्ट्रीय परिषद ही 12 आणि 13 नोव्हेंबरला औरंगाबाद येथे संपन्न होत आहे। ह्या कॉन्फरन्सचे आयोजन रमा इंटरनॅशनल हॉटेलमध्ये केलेले आहे। या परिषदेत 500 डॉक्टरांचा सहभाग यामध्ये असेल, त्यापैकी 150 डॉक्टर्स फिजिकली असतील आणि इतर व्हर्च्युअल प्लॅटफॉर्मवरती राहतील। प्रदेशातले साधारण 8 ते 10 डॉक्टर्सनी सहभाग नोंदवलेला आहे आणि त्यापैकी 3 सर्जन्स हे त्यांचा शोध निबंध किंवा एक प्रेझेंटेशन या कॉन्फरन्समध्ये देणार आहेत व्हर्च्युअली मोडमध्ये। आता सध्याच्या कोविडच्या प्रोटोकॉलनुसार आपण यामध्ये ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन्स जे आहेत ते एका लिंकद्वारे झूम मीटिंग सारखा जे प्लॅटफॉर्म आहे तसा प्लॅटफॉर्म यूज करून त्याद्वारे
विविध डॉक्टर्स ऑल ओवर इंडिया म्हणजे पूर्ण भारतामधनं जे काय सर्जन्स आहेत ते यासाठी रजिस्टर करून त्यामध्ये त्याचा सहभाग नोंदवू शकतील आणि याचा लाभ घेऊ शकतील. केचकळम रास्ते पर साडेगाव से करीब एक दिलखराश हादसा पेश आया. मोटरसाइकिल और कार के दरमियान हुए तसादुम में दो अफराद फौत हो गए जबकि मोटरसाइकिल पर सवार खातून और एक बच्चा शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं. जराए से मौसूला इतला के मुताबिक केचकड़म रास्ते पर साड़े गांव के शाम तेलंग नामी किसान के खेत से मुतसिल पुल से गुजर रही एक बलेनो कार ने पहले पुल की साइड रेलिंग को टक्कर मारी. इसके बाद सामने से आ रही एक मोटरसाइकिल से टकरा गई. हादसा इतना शदीद था कि मोटरसाइकिल सवार अमूल पांडुरंग सत्वधर और कार के ड्राइवर अमित जीवन बराती की जगह पर ही मौत हो गई जबकि नारायण गांव पुणे की साकिन अनुराधा विनोद फूलसुंदर और इसका लड़का आदित्य विनोद फूलसुंदर जो कि मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर सवार थे इस हादसे में शदीद तौर पर जख्मी हो गए. अनुराधा को इलाज की गर्ज से अंबाजोगाई के स्वामी रामानंद तीर्थ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में शरीक किया गया और आदित्य का लातूर के एक खानगी अस्पताल में इलाज जारी है. हादसे की इत्तला मिलते ही एपीआई शंकर वाघमोड़े संतोष मिश्रे महादेव गुज्जर रुक्मणी पाचपिंडे अशोक गवली गायकवाड़ शिंगारे रमेश सानप दिलीप गीते हनुमंत गायकवाड़ और दिगर अमला वहां पहुंचा और महलकुन व जख्मियों को दवाखाना मुंतकिल करने के बाद ट्रैफिक बहाल किया गया. बैलगाड़ी के जरिए टाकली बुद्रुक तालुका कन्नड़ से गुजर रहे अंजना नदी पार करते वक्त पानी में गिर जाने के सबब एक 26 साल नौजवान की मौत हो गई है. ये दिलखराज हादसा गुज़श्ता शहपहर को पेश आया. महलू का नाम महेश रमेश शेड़के बताया जा रहा है जो आड़गांव पिशोर तालुका कन्नड़ का साकिन था. महेश बैलगाड़ी में सवार होकर अंजना नदी के उस पार जा रहा था कि नदी में गिर पड़ा. इस हादसे की इत्तला फायर ब्रिगेड अमले को दी गई जिस पर चीफ फायर ऑफिसर आर के सूर्य की रहनुमाई में ड्यूटी इंचार्ज एम एल मूंग से अशोक खांडेकर वाई एच गुगे एल पी कोल्हे वी आर लिमकर फायर फाइटर शिवसंभा कल्याणकर प्रसाद शिंदे और ड्राइवर योगेश दूधे व दीपक वर्ठे की हमरा जाय हादसे पर पहुंचे और नदी में उतरकर महेश की तलाश शुरू कर दी. 15 मिनट में ही महेश शेड़के को ढूंढ निकाला मगर तब तक वह फौत हो चुके थे लिहाजा महेश की लाश पुलिस के सुपुर्द कर दी गई. पुलिस रिकॉर्ड पर मौजूद एक बदनामी जमाना मुजरिम की दोनों आँखें फोड़कर उसका कत्ल कर दिया गया और खातिलों ने लाश रास्ते के बाजू फेंक दी. कत्ल की ये दर्दनाक वारदात दिलगांव हाईवे पर पेश आई. मक्तूल की शनाख्त अबूबकर चाउश के नाम से की गई है. कत्ल की इस दिलदोज वारदात की तफसील यूं बतलाई जा रही है कि सुबह के औकात में कुछ शहरियान जो जलगांव हाईवे से जा रहे थे कि इसी दौरान नारेगांव की जानिब जाने वाले रास्ते के करीब झाड़ियों में उन्होंने खून से सनी हालत में पड़े एक शख्स को देखा. पुलिस को इत्तला दिए जाने पर डीसीपी दीपक गिरहे माविन पुलिस कमिश्नर सुरेश वानखेड़े पुलिस इंस्पेक्टर विठल पोटे क्राइम ब्रांच के सब इंस्पेक्टर कल्याण शेल के नाना पटारे और राजेंद्र साड़ुंके ने जाए वारदात का रुख किया. जाए वकू का जायजा लेने के बाद नाश तिब्बी जाँच के लिए अस्पताल भिजवा दी गई और मकतूल की शनाख्त के लिए खबरी नेटवर्क को सरगर्म कर दिया गया तो दो घंटों में मकतूल की शनाख्त कर ली गई. पता चला कि मरने वाला एक आदि मुजरिम था जिस पर कई मामलात दर्ज थे और वो पिछले अरसे तड़ी पार भी था. एमपीडीए कानून के तहत भी उस पर कार्रवाई की गई थी. मकतूल अबू बकर होने की तस्दीक होते ही पुलिस ने भी अपनी जांच की सिमत मुतय्यन कर ली और पुलिस थाना सिडको में दोपहर बाद तक कत्ल का मामला दर्ज करने की कार्रवाई जारी थी. कातिलों ने अबू बकर चाउश को बड़ी बेरहमी से कत्ल किया. उसकी दोनों आँखें फोड़ देने पर ही वो न रुके बल्कि चेहरा भी मस्क करके उसकी शनाख्त ही मिटा देने की कोशिश की गई. इसी तरह उसके जिस्म के दीगर हिस्सों पर भी घाव लगाए गए. ये कत्ल इंतहाई गुस्से या किसी बदले की कार्रवाई के तहत किया गया हो और लाश इन झाड़ियों में लाकर फेंक दी गई होगी इस तरह की कयास आराइयाँ जारी हैं. पुलिस जांच कर रही है कि कत्ल की रात अबू बकर कहाँ था और किन लोगों से उसके पंगे थे. चोरी के मामले के मुलजिमिन का पता लगाकर ब्रिटेन पुलिस ने महज दो घंटों में उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 1,30,000 की मालियत का सामान बरामद कर लिया. बिड़किम तालुका पैठन की जयलक्ष्मी कास्टिंग कंपनी के मैनेजर गंगाधर सांगड़े ने 8 नवंबर को बिड़किम पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी कि 7-8 नवंबर की दरमियानी रात मजकूरा कंपनी में स्टोर के सामने रखे कॉपर मोल्ड ट्यूब के दो बड़े और एक आधा टुकड़ा जिनका वजन 1 क्विंटल 30 किलो और कीमत 1,30,000 रुपये है इस सामान में से 1.5 मोल्ड ट्यूब गायब पाए गए. पुलिस ने इस सरक़े की शिकायत दर्ज कर ली और फौरी सारिखों का पता लगाने में जुट गई और दिही पुलिस सुप्रिटेंडेंट निमित गोयल एडिशनल एसपी पवन बंसोड़े एसडीपीओ डॉक्टर विशाल नेहुल की रहनुमाई में पुलिस के स्पेशल स्क्वाड ने मुखबिरों की मदद से पता लगाया तो मालूम हुआ कि ये चोरी इसी कंपनी के वॉचमैन शंकर नागेश्वर कौरू साकिन रामनगर बिड़किन से साजबाज करके मुलजमीन जावेद मुनीर शेख साकिन टकार महल्ला बिड़किन ने की है. इसी तरह चोरी का माल चीते गांव के एक भंगार व्यापारी
उमर रऊफ कुरैशी को फरोख्त कर देने का खुलासा भी हुआ। पुलिस ने नहायत कमाल होशियारी से अलहदा मनसूबाबंदी की और घात लगाकर मुलजमीन को अलग अलग जगहों से दबोच लिया। तफ्तीश में मुलजमीन ने इकबाल जुर्म करते हुए मस्कुरा माल भी बरामद करवा दिया। इस तरह चारों मुलजमीन को महज 2 घंटे में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामले की मजीद जांच पुलिस हेड कांस्टेबल SP बोडले कर रहे हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी कमेटी की जानिब से नहायती जोश खरोश के साथ मनाया गया यौम इकबाल व यौम उर्दू। मेहमानों के हाथों नुमाया कारकर्दगी अंजाम देने वालों का किया गया इस्तकबाल। ST मुलाजमीन की हड़ताल से गैरखाए अजंता के सयाह भी हुए मुतासिर, पैदल और बैलगाड़ियों पर किया सफर। ST इंतजामिया के तहत किया इजहार नाराजगी। पैठन तहसील अमले की रेत माफिया पर कार्रवाई, JCP कर लिया गया जब्त, मगर रेत बर्दा ट्रैक्टर व हाईवा हुए फरार। और जिला बीड़ की केचकड़म शाहरा पर मोटरसाइकिल व कार के बीच भयानक तसादुम, हादसे में 2 अफराद हुए फौत, खातून समेत 9 उम्र बच्चा हुए शदीद जख्मी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीन नास आपसे इजाजत चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।